Assalamualaikum, my dear students. Hope you all are doing well, staying fit, staying safe, enjoying with your family at your home. Dear students, today we are going to discuss the new topic from your textbook of science, that is the water cycle, class 6th. Dear students, every day the sun heats up the water in lakes, rivers and the water evaporates and turns into water vapors. क्या होता है जो lakes में और rivers में, oceans में, seas में जो पानी होता है, sun उसको heat up करता है और ये जो water होता है वो evaporate होता है. The water vapor rises in the air high in the sky. The air is cool. The water vapor cools down the and changes into tiny droplets of water called droplets. Clouds are made up these tiny droplets. ये क्या होता है जो ये वाटर वेपर होते हैं ये ऊपर चढ़ जाते हैं स्काई में. वहाँ की जो हवा होती है वो ठंडी होती है. ये इस वाटर को कूल डाउन करती है और इसको चेंज करती है ड्रॉपलेट्स में. और फिर ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये कंबाइन होके क्लाउड्स बनाते हैं. As more of these droplets join together, they become bigger and heavier. When the clouds become very heavy with water, the water drops fall to the ground as rain. जब ये droplets बहुत heavy हो जाते हैं तो ये मतलब ये clouds heavy हो जाते हैं water droplets से, फिर ये नीचे आ जाता है in the form of rain. रेन वाटर फ्लोज बैक इन टू लेक्स, रिवर्स एंड सीज, लेटर इट इवेपरेट्स अगेन. ये जो रेन वाटर होता है ये फिर फ्लो हो जाता है, ये फिर फ्लो हो जाता है कहाँ पे, लेक्स एंड रिवर्स में चला जाता है और फिर से इसी प्रोसेस के थ्रू इवेपरेट होता है, फिर इन द फॉर्म ऑफ रेन ज़मीन पे गिरता है. इन दिस वे वाटर कीप्स मूविंग फ्रॉम सीज, रिवर्स एंड लेक्स टू द स्काई एंड बैक. वी कॉल दिस वाटर साइकिल. इसको साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो पानी होता है ये मूव होता है रिवर्स में, सीज में, लेक्स में, फिर इवेपरेट होके स्काई क्यों स्काई में चला जाता है, वहाँ से फिर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ रेन ज़मीन पे आता है. तो ये एक साइकिलिक प्रोसेस है, इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं. यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये देखिए यहाँ पे वाटर साइकिल, ये ओशंस हैं, ओशंस का पानी ये इवेपरेट होता है सन की वजह से, तो फिर ये क्लाउड्स बनते हैं, ये ड्रॉपलेट्स के क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बर्स्ट होते हैं, फिर ये क्लाउड्स जब ये हैवी हो जाते हैं फिर इन द फॉर्म ऑफ रेन नीचे गिर जाते हैं, फिर ये रेन वाटर फिर से ओशंस, रिवर्स और लेक्स में चला जाता है. तो फिर एक ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं.